नया साल मुबारक दोस्तों। यार ये लोग मजा खराब करने आए हैं। सलाम अलैकुम, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है यार? तुम पुलिस वाले ऐसे ही जलते हो? नए साल की रात में ड्यूटी लगी हुई है और हम लोगों का मजा खराब कर रहे हो। भाई मेरी ड्यूटी सिर्फ ये है कि मैं अवाम की हिफाजत करूं। आज रात यही रिपोर्ट आई है कि तुम लोग अवाम के लिए खतरा पैदा कर रहे हो। हम तो सिर्फ खुशी मना रहे हैं। बंदूक चलाने में क्या खुशी है? हम तो पूरा साल जेब में रखते हैं, आज तक बंदूक से खुशी नहीं आई। भाई सोचो, शहर में कितने लोगों को आपकी हिफाजत की जरूरत है और आप आके हमें तंग करते हुए दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे रिपोर्ट आप लोगों पे ही आई है। छोड़ो यार, यही लोग हैं ना जिनको मेरी हिफाजत की जरूरत है? हाँ ऐसे ही लोग हैं। अब मुझसे पूछो इस बच्चे को क्या हुआ था। क्या? पिछले साल इसी रात पे आप जैसे लड़कों ने हवाई फायरिंग की, एक इस बच्चे के कंधे पे लग गया। अब समझ आ गया मैं क्यों आया हूँ। हवाई फायरिंग के बगैर भी खुशी मनाई जा सकती है। सॉरी मुश्ताक साहब, मैं सिर्फ अपने शुक्ल का सोच रहा था, मुझे आपके और अवाम के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए था। देखो बेटा, तुम लोग खुशी मनाओ, गाने लगाओ, नाच खेल करो, लेकिन बराए मेहरबानी किसी को खतरे में ना डालो। ठीक है मुश्ताक साहब, बस अब से फायरिंग हमारी तरफ से खत्म और इस वाकया का जितना भी फाइन है मैं पे कर दूंगा। बाबा ये किसी जाहिल पुलिस वाले ने हमारी पार्टी रोक दी है। हाँ अब इनको दिखाएंगे कि हमारा खानदान क्या है। मुश्ताक जी सर, अजीम भाई का फोन आया, उसने कहा तुमने उसके बेटे की कोई पार्टी रोक दी थी। सर देखें, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। अरे बात तो पूरी सुनो, मैं तो तुम्हें शाबाश देना चाह रहा था। फकीर का बेटा हो या बादशाह का, कानून तोड़ने की इजाज़त किसी को भी देनी नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा पैगाम अच्छा लगा तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कीजिए।